गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत सुंदर प्लांट ले रहा हूँ, वेरी इजी टू ग्रो। ये बहुत सुंदर सा प्लांट का नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। क्योंकि ये प्लांट मैक्सिको से आया था इसलिए इसका नाम पड़ा है मैक्सिकन पिटूनिया। और साथ ही ये देखने में जो लगता है पिटूनिया जैसा, पिटूनिया फ्लावर्स आता है ना जो जाड़ों में आपने देखा होगा, काफ़ी जगह हैंगिंग बास्केट में भी लगा लेते हैं और बहुत सुंदर गार्डन को लुक देता है, बिल्कुल उसका जैसा लगता है। बट ये उस फैमिली का नहीं है, इट्स नॉट बिलोंग्स टू पिटूनिया फैमिली। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें तीन कलर्स आते हैं, मेरे पास तीनों ही कलर्स हैं, पर्पल, पिंक एंड वाइट। बहुत इजीली हो जाता है प्लांट, बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत कलरफुल प्लांट है। और शायद जब गर्मियां शुरू होती हैं तो सबसे पहले यही वाला फ्लावर आता है गार्डन में। तो ये गर्मियों का प्लांट हैगा, पिटूनिया जाड़ों का प्लांट होता है, और ये जो है ये गर्मियों पूरी गर्मी आपके संग रहता है। ये वाला प्लांट बहुत सुंदरता से होता रहता है, आराम से, नो केयर प्लांट है। बाकी केयर करते हैं तो और अच्छे से होता है, बहुत सस्ते में बाज़ार में मिल जाता है, 30-40 रुपये में मिल जाता है। शायद मैं तीन कलर लाया था 100 रुपीज़ के, और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लांट प्रपोगेट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको जड़ों से कर लें, यहाँ से ये स्प्रेड हो जाता है ना, मैंने स्प्रेड करके बना लिए थे, और नहीं तो ये अपने आप ही हो जाता है, कई जगह ये अपने आप हो जाएगा आपके गार्डन में अपने आप ये, क्योंकि इसके जो फूल आते हैं उसके बाद इसमें बीज बन जाते हैं और बीज अपने आप सेल्फ स्प्रेड हो जाते हैं। तो देखिए मैंने एक पॉट यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला देखिए, और इसमें कितने अच्छे से ये देखिए हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने बीज डाला है, बट ये अपने आप ही देखिए पर्पल वाला हो गया यहाँ पर। तो ये बहुत ईजिली ग्रो होने वाला पौधा हैगा, और इसके लिए थोड़ी बहुत केयर तो हम कर ही लेते हैंगे, क्योंकि मैं सॉइल जो रखता हूँ वेल ड्रेन्ड सॉइल रखता हूँ, और पानी भी इसको बहुत तो ज़्यादा मात्रा में ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत पानी चाहिए। अगर ये इसकी पत्तियाँ आप देखें कि नीचे गिर रही हैं तो पानी इसमें डाल दीजिए, अदरवाइज़ ये चलता रहता हैगा। क्योंकि मैंने बहुत शैलो पॉट में लगाया हुआ है इसको, आप देख रहे हो ना, ये ऑयल केन से मैंने DIY करके इसको बनाया हुआ है, और ये बहुत अच्छे से हो गया यहाँ पर। इसमें देखिए आराम से, नहीं तो ये पौधा जो है 2-3 फीट तक ऊपर चला जाता है, पर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें लगाता हूँ मैं। और देखिए कितने सुंदरता से ये हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं लगे हुए ये। तो एक ही भरा भरा सा इसमें आ गया, तो इससे क्या लगता है कि ये प्लांट जो है ना ये सेल्फ स्प्रेडिंग प्लांट भी हैगा, जैसे कि बीजों से हो जाता है, इट्स अ वेरी गुड ग्राउंड कवरेज ऑल्सो। तो ये अपने आप ही बढ़ता रहता है ज़मीन में धीरे धीरे करके। तो अगर आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, आपका कोई ग्राउंड है या कोई जगह आपके पास बहुत सारी पड़ी हुई है, वहाँ लगाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो आप ये प्लांट लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका ग्राउंड कवरेज इसके लिए हो जाएगा, और बहुत अच्छे कलर के फूल इसके आते रहते हैं। और फूल इसके वन डे के लिए ही होता है, सुबह खिलेगा और शाम को ये ख़त्म हो जाता हैगा। तो इसके लिए आप उम्मीद ना करें कि कई दिन तक खिला रहेगा, पर इसमें और बहुत सारी बर्ड्स बनती रहती है। देखिए कल फूल खिले थे ये पड़े हुए, पर देखिए नई बर्ड्स भी इसमें आ गई हैं। ये देखिए हर एक में ऐसा ही हो रहा हैगा, नई नई बर्ड्स भी आ रही हैं। तो रोज़ ही इतने फूल खिल जाते हैं इसमें, जितने फूल आप देख रहे होंगे। और ये साथ ही साथ ये बहुत सन लविंग प्लांट है, इसको मैंने खूब ब्राइट सनलाइट में रखा हुआ है, इसमें पूरे दिन की जो है ना धूप पड़ती रहती है, तो जब ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसमें फूल ज़्यादा अच्छे खिलते रहते हैंगे। और ये फंडा भी हैगा कि जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स ही ऑलमोस्ट सन लविंग होते हैंगे, तो इनको धूप अच्छी चाहिए, धूप इनको मिली रही है तो ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं। पर ये सेमी शेड में भी हो जाते हैंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे वहाँ पर भी, पर थोड़ी क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स कम हो सकती है उसमें। तो अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो हम इसको जो है ज़्यादा धूप में रखेंगे। तो पानी भी हो गया, धूप भी हो गया, सॉइल भी हो गई, इसकी तीनों चीज़ें हो गई। और उसके बाद अगली चीज़ आती है इसको कैसे फर्टिलाइज़ करें। वैसे तो ये हर प्रकार की मिट्टी में हो ही जाता है, आप इसे खाद नहीं भी दे रहे तो भी ये चल जाता हैगा, क्योंकि सेल्फ स्प्रेडिंग प्लांट हैगा ये, तो बहुत आराम से हर जगह हो जाता है, हर कंडीशन होता रहता है ये। बट हम इसको कुछ ना कुछ खाद तो ज़रूर देते ही हैं, जैसे मैं साल में 2 बार अपने सारे प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट देता ही हूँ, तो उसी प्रकार से मैं इसको भी वैसे ही दे देता हूँ। तो जब इनको अच्छी खुराक मिलती है तो ये कलर भी बहुत अच्छा देते हैं, कितने सुंदर कलर्स हैं इनके, तो अच्छा कलर भी देंगे
और अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स भी देंगे। और हम लोग अपने घर में जो टेरेस गार्डन या गार्डन बनाते हैं तो बहुत सुंदरता के लिए तो बनाते हैं ना, तो वो सुंदरता भी बनी रहती है, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही ना इसमें महीने में एक बार या दो बार जैसा भी मौका लगता है तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड केक का जो है पानी जो बनाता हूँ वो दे देता हूँ, और काउडंग का या कंपोस्ट का वाटर बनाता हूँ तो वो भी दे देता हूँ इसमें। तो इससे ना इसमें एक जान सी रहती है पौधे में, और ये बहुत अच्छे से करता है काम। अभी देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, छोटा सा पॉट है ये, और इसमें कितने अच्छे से पूरा कवर हो गया इसमें, तो ये बहुत अच्छा लगता है और आँखों को बहुत सुकून देता है। सबसे पहले मैं जब सुबह आता हूँ टेरेस पर तो मैं इसी के दर्शन करता हूँ। मेरे रखा भी एकदम एंट्री पर ही है ये, स्टेयर्स में जब ऊपर हम गए तो सीधे ही मुझे ये दिखाई पड़ता है। तो मैं पहले देखता हूँ कि सारे रंग के फ्लावर्स सबसे पहले खिले रहते हैं, चाहे किसी और प्लांट में फूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट इसमें अवश्य फूल आ रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय।